स्वागत है। जैसे कि मैं मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी, जो न्यू फ्रिज मैंने शॉपिंग ब्लॉग डाली थी उसमें मैं बताई थी, इस फ्रिज को अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को करके दिखाऊंगी। तो आज की जो ब्लॉग है मेरा नया फ्रिज की अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग है, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा नया फ्रिज की अनबॉक्सिंग, दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए टेक्नीशियन सुबह आके इसको अनबॉक्सिंग किया, डेमो वगैरह भी देखे गए हैं। और जो सामान इसका था, पुराना फ्रिज मेरा बंद था तो खराब हो जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण मुझे ट्रांसफ़र भी करना पड़ा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जो मेरा फ्रिज कैसे दिखने में है। तो गाइस देखिए, ये है मेरा नया फ्रिज। तो टेक्नीशियन सुबह डेमो तो कर दिया है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। इसका ये देखिए, यहाँ जो है ये वाईफाई कनेक्टेड भी हो जाते हैं, ये देखिए वाईफाई कनेक्टेड भी हो जाते हैं, और इसमें कन्वर्टर है तो फ्रिज का जो टेम्परेचर हम कर सकते हैं। और ये जो थिंक यू आप देख रहे हैं, थिंक यू एक एप्लीकेशन है, ये आप मोबाइल में डाउनलोड करके मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये है मेरा फ्रीजर, क्योंकि मैंने सारे सामान इसीलिए डाल दिया, पुराना फ्रिज मैंने इसीलिए खाली कर दिया ताकि ये सारे सामान मेरा ख़राब हो जाते हैं जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा। ये मेरे फ्रीजर में सारी चीज़ें मैंने रखा है। अभी फ्रिज का देखिए, ये है फ्रिज का, देख रहे सारे जो पुराना फ्रिज के जितने सारे सामान थे मैंने सारे इसमें शिफ्ट कर दिया। मुझे जल्दी जल्दी इसलिए और करना पड़ा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और पुराना वाला फ्रिज मैंने चालू नहीं रखा था, एक ही पॉइंट है जिसके वजह से मुझे इसमें ट्रांसफर इसीलिए करना पड़ा, नहीं तो सारे के सारे सामान, मेरे इतने सारे सामान है सब खराब हो जाते। देखिए मेरा पूरा फ्रिज मैंने इस तरह से सेट कर लिया, इसमें भी मेरा पूरा ही भर गया है जैसे लग रहा है, उसमें भी जगह कम पड़ता था, अभी इसमें भी खाली जगह बचा नहीं है, अभी इसमें भी बहुत जगह है, मैनेज करना पड़ेगा जगह। अच्छा है, इसका फीचर भी अच्छा है, बंद करते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम खुला रखने से ना इस तरह की इसमें से अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, अगर आपने ज़्यादा टाइम खोल के रख दिया तो एक अलार्म इसमें बजते हैं। तो
गाइस, जैसे आपको नया फ्रिज हमने दिखाया है, दिखा देते हो पुराना फ्रिज को भी। पुराना फ्रिज को हमने पूरा खाली कर दिया, उसका सामान पूरा नया फ्रिज में मैंने शिफ्ट कर दिया। उसकी जो बास्केट वगैरह है अच्छे से धुल के रख दिया है, अंदर अभी रख दूंगी, फिर बाद में किसी को दे दूंगी या जो करना है करूंगी। दुकान वाले को इसीलिए नहीं दिया है, दुकान वाले ऐसे ही उठा के ले जाते हैं। और ये फ्रिज मेरा खराब नहीं हुआ था, फ्रिज मेरा सही था, इसीलिए नहीं दिया है। इससे बढ़िया है किसी का जरूरत है जो भी है उसको दे दिया जाएगा। तो दिखाते हैं आप लोगों को पुराना फ्रिज ही। चलिए, ये पुराना फ्रिज है, देखिए इसको हमने खाली कर दिया, दिखाते हैं। ये हो गया खाली पूरी तरह से। कैसा लगा? अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, फ्रिज अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपने कमेंट करके भी बताइए मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये फ्रिज का फीचर्स भी बहुत अच्छा है, अभी देखना है आगे का। अभी तो दो दिन ही आए हैं, अभी देखते हैं आगे आगे। पुराना फ्रिज तो बहुत अच्छा सर्विस दिया है, अभी नया फ्रिज में देखते हैं। तो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वॉच माई ब्लॉग एंड टाटा।